विचित्र जगहों से भरी हमारी इस पृथ्वी में एक जगह ऐसी भी है जहां दूर दूर तक जीवन नहीं है। सूरज आपकी जान का दुश्मन है और पानी बहुत नसीब से मिलता है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट सहारा की, जिसका ध्यान आते ही सिर्फ चिलचिलाती धूप और रेत जहन में आती है। मगर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये विशाल डेजर्ट एक वक्त था जब हरा भरा हुआ करता था। यहाँ बारिश भी होती थी और खुशहाल जीव भी नजर आते थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ की आबो हवा एकदम से बदल गई और ये इलाका सुनसान रेत के मैदान में तब्दील हो गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सहारा से जुड़ी ऐसी ही कुछ हैरान करने वाली बातें बताएंगे जो शायद ही आपको किसी ने बताई होंगी। इसलिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सहारा, ये नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहरा से लिया गया है, जिसका मतलब है मरुस्थल। ये रेगिस्तान आकार में इतना विशाल है कि विश्व की कई महाशक्तियां यहाँ समा सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सहारा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से ही लगभग दोगुना है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मौजूद सहारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, जो करीब 92 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ का तापमान इतना ज्यादा अधिक है कि दिन के वक्त टेम्परेचर कई बार हाफ सेंचुरी लगा देता है। ऐसे में यहाँ जीवन जीना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। यहाँ आज दूर दूर तक एक सूखा पत्ता तक नजर नहीं आता। पानी का भी कोसों दूर तक नामो निशान नहीं मिलता और बारिश भी नाम मात्र की होती है। और जो बारिश होती भी है वो जमीन पर गिरते ही वेपर में बदल जाती है। ऐसे में जीवन यहाँ से करोड़ों साल पहले ही दम तोड़ चुका है। मगर जिस हालत में आज हम दुनिया के सबसे बड़े हिस्से को देखते हैं, वो करोड़ों साल पहले ऐसा नहीं था। यहाँ का नजारा कुछ और था और जो परिस्थितियाँ आज है वो इसके ठीक उल्टी थी। यहाँ हरे भरे पेड़ नजर आते थे जहाँ जल था, और जब ये सब था तो स्वाभाविक है कि जीवन भी रहा ही होगा। कहा जाता है कि उस वक्त ये जगह कुछ कुछ अमेज़न के हरे जंगलों की तरह नजर आती थी, लेकिन सहारा के चप्पे चप्पे को जानने वाले तो ये कहते हैं कि हरियाली के मामले में ये जगह अमेज़न से भी ज्यादा खूबसूरत थी। आज के इस रेतीले समुद्र में उस वक्त हर्बीवोरस जानवर यहाँ हरी घास का मजा उठाया करते थे। इसका प्रमाण मशहूर जियोलॉजिस्ट अल्बर्ट फिलिप्स की स्टडी में भी मिलता है। दरअसल जब उन्होंने इस रेगिस्तान की खुदाई की तो उन्हें यहाँ कई हैरान करने वाली चीजें मिली। रिसर्च के दौरान सबसे पहले रिसर्चर्स को यहाँ कई तरह के फॉसिल्स मिले, जिसमें सबसे चौंका देने वाला कंकाल एक हर्बीवोरस डायनासोर का था, जो मंसूरासोरस था, जिसके बारे में जानकारों ने बताया कि ये कंकाल करीब 80 करोड़ साल पुराना था, जिससे ये बात साबित हो गई कि आज सूखे पड़े सहारा रेगिस्तान में करोड़ों साल पहले जीवन हुआ करता था। साथ ही एक शाकाहारी जीव का यहाँ होना ये बात भी साबित करता है कि यहाँ अच्छी खासी हरियाली रही होगी। लेकिन ये तो हुई जानवरों की बात। कुछ साल पहले यहाँ मिले तीन मानव कंकालों ने भी रिसर्चर्स का दिमाग हिला दिया था। दरअसल खोज के दौरान जो मानव कंकाल मिले थे उसमें दो बच्चों के और एक महिला का कंकाल था, जो ये साबित करने के लिए काफी था कि यहाँ कभी मानव सभ्यता भी रहा करती रही होगी। वैसे कई थ्योरीज बताती है कि अगर करोड़ों साल पहले प्राकृतिक तौर पर एक बड़े पर्वत का यहाँ निर्माण ना हुआ होता तो आज का सूखा पड़ा सहारा रेगिस्तान इतना बड़ा जंगल होता कि आधी पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खत्म हो जाती। अब ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तो आप जान गए कि आज का सहारा डेजर्ट करोड़ों साल पहले बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, मगर टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने की वजह से पृथ्वी में एटलस पहाड़ी का निर्माण हो गया और इस पर्वत ने नॉर्थ की तरफ से आने वाली हवाओं को सहारा की तरफ जाने से रोक दिया। और जब ये हवाएं वहां नहीं पहुंच पाई तो पेड़ पौधे सूखने लग गए और धीरे धीरे हरे भरे सहारा का अस्तित्व खत्म हो गया। वैसे ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी जरूरत के अनुसार खुद ही अपनी प्लेट्स को खिसकाती रहती है और रेगिस्तान बनाती रहती है, जिसकी वजह से पर्यावरण को अलग अलग बदलावों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों में सहारा का तापमान पहले से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिसका कारण सिर्फ पृथ्वी में हुए बदलाव नहीं बल्कि हम मनुष्यों के द्वारा अपनाई गई कुछ गलत आदतें भी है।
यानी अगर आप ये वीडियो ट्रैफिक के दौरान स्टार्ट हो रखी गाड़ी में बैठकर या फिर घर के किसी कोने में एसी चलाकर देख रहे हैं, तो आपने भी ग्लोबल वार्मिंग में अपना योगदान दे दिया है और टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया है। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। सहारा डेजर्ट आकार में जितना बड़ा है उतना विचित्र भी है। अगर आपको लगता है कि यहाँ सिर्फ रेत और धूल मिट्टी है तो आप गलत है, क्योंकि भले यहाँ इंसानों के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ 500 के करीब रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा इस रेगिस्तान में 1000 के करीब पेड़ों की प्रजातियाँ भी जीवित है। हालांकि पेड़ ज्यादातर पानी के स्रोतों के पास ही मिलते हैं। जी हाँ, यहाँ पर कई ऐसी जगह है जहाँ पानी की बहुत बड़ी बड़ी लेक्स मौजूद है। साथ ही कुछ इलाके ऐसे भी है जहाँ थोड़ी बहुत हरियाली भी है, जो बताता है कि दुनिया का गर्म इलाका एक जगह आकर थोड़ा नरम पड़ जाता है। यहाँ हरियाली भी है और साफ पानी भी मौजूद है। बता दे कि ये इस रेगिस्तान में एक ऐसी झील है जहाँ सालों से साफ पानी मौजूद है, जिसकी वजह से सहारा में रहने वाले सभी जीव इस पर निर्भर है। इस झील के इर्द गिर्द काफी हरी भरी जगह है, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता है कि ये दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान का हिस्सा है। वैसे आपको ये बात भी बड़ी अजीब लगेगी कि सहारा डेजर्ट हाल के वक्त में झमाझम बारिश का भी साक्षी रह चुका है। 2016 में सहारा के एन सेफरा इलाके में इतनी बारिश पड़ी कि सब दंग रह गए। एक्चुअली यहाँ इतनी मोटी बारिश हुई जो दुनिया के कई इलाकों में बरसात के मौसम में नहीं होती। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, पानी तो आपको पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी मिल जाएगा। लेकिन एक बार सहारा में जो घटना हुई उसे देखकर सबके होश उड़ गए। जैसा कि आप जानते हैं कि बाकी रेगिस्तानों की तरह सहारा में भी दिन के समय भयंकर गर्मी और रात के समय भयंकर सर्दी पड़ती है, मगर आम तौर पर रेगिस्तानों में बर्फबारी नहीं होती। लेकिन 19 दिसंबर 2016 को सहारा में बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से वीरान पड़े रेत के टीले सफेद बर्फ से ढक गए। बर्फ भी ऐसी वैसी नहीं, करीब 16 इंच मोटी। वैसे ऐसा बताया जाता है कि इससे पहले करीब 37 साल पहले 1979 में ऐसा दृश्य देखने को मिला था। वैसे इस वक्त बर्फ में ढकी भूरी रेत की पहाड़ियों को देखना काफी दिलचस्प और मनमोहक था। इस बर्फबारी के पीछे की वजह बताई गई थी कि रेगिस्तान के पास एटलस पर्वत की तलहटी में तापमान सामान्य से 10 से 15 डिग्री नीचे चला गया था। साथ ही ऊंचाई पर कम दाब का केंद्र पैदा हो गया था, जिसके कारण हवा तेजी से नीचे की तरफ आई और बर्फबारी जैसी स्थितियां पैदा हो गई। वैसे कई सालों पहले बर्फ गिरने की वजह से सहारा रेगिस्तान में एक अच्छी चीज भी हुई। यहाँ एक नदी का निर्माण हुआ, जिसे ग्वेल्टा डी आर्चे लेक के नाम से जाना जाता है, और इसी नदी के पानी को पीकर सहारा के जानवर जीवित रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इतनी गर्मी पड़ने के बावजूद इस लेक का पानी कभी नहीं सूखता है, लेकिन अब ऊँटों के मल मूत्र की वजह से ये पानी काला पड़ गया है। वैसे एक अमेजिंग बात बताओ, अगर आप थोड़ा वेट करेंगे तो आप इस सूखे पड़े रेगिस्तान को धीरे धीरे हरे जंगल में भी तब्दील होते हुए देख सकते हैं। एक्चुअली साइंटिस्ट के अनुसार स्टडी बताती है कि हर 41,000 साल में सहारा की धरती पर बदलाव होते रहते हैं। यानी अगर आप बस कुछ हजार साल रुक जाए तो आपको अभी वीरान दिखने वाला सहारा मस्त एक जनजीवन वाले हरे भरे अमेज़न के जंगल की तरह नजर आएगा। वैसे जब बात अमेज़न के जंगलों की हो ही रही है, तो आपको ये भी बता दे कि इस विशाल जंगल, जिसे पृथ्वी का लंग्स कहा जाता है, इसे पालने की जिम्मेदारी सूखे सहारा की ही है। हालांकि दोनों एक दूसरे से काफी दूर है, लेकिन यहाँ की हवा अमेज़न के लिए काफी मददगार साबित होती है। हवा सहारा की रेत और मिट्टी में मौजूद जरूरी न्यूट्रिशंस को अमेज़न पहुँचाती है, जो यहाँ के पेड़ पौधों और जीवों के काफी काम आती है। भाई वाह, शायद तभी कहा जाता है कि सृष्टि की बनाई गई कोई भी चीज बेकार या किसी काम की नहीं है। हर चीज का अपना एक महत्व है और कुछ ना कुछ खूबी जरूर होती है। इसी तरह सूखे बंजर सहारा की भी एक अलग इम्पोर्टेंस है, जिससे शायद आप आज तक अनजान थे, लेकिन अब आप सहारा की नस नस से वाकिफ है। वैसे इतना बड़ा रेगिस्तान अपने साथ कई दूसरे रहस्य भी लिए बैठा है। सहारा रेगिस्तान के पास अपनी एक बड़ी आंख भी है। जी हाँ, बीच रेगिस्तान में मौजूद इस आकार को रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग इसे मॉन्स्टर आई के नाम से भी जानते हैं।
सहारा के बीचों बीच मौजूद ये नीली आंख जैसा दायरा करीब 50 किलोमीटर के आसपास का है, इसलिए इसे पास जाकर तो साफ तरह से नहीं देखा जा सकता, लेकिन बहुत ज्यादा हाइट से देखने पर ये बिल्कुल किसी इंसान की आंख की तरह नजर आता है। हालांकि इस बात की किसी को भी कोई जानकारी नहीं है कि ये नीली आंख यहाँ कब, क्यों और कैसे बनी, लेकिन ये अपने आप में एक मिस्ट्री है, क्योंकि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये स्ट्रक्चर इंसानों के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन कई शोधकर्ताओं के अनुसार इस अद्भुत संरचना को रेत के बीचों बीच एलियंस ने बनाया है। वैसे जैसे ही इस मिस्ट्री से पर्दा उठेगा, हम आपके लिए उससे जुड़ी एक वीडियो भी जरूर लेकर आएंगे, लेकिन तब तक आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको सहारा रेगिस्तान से जुड़ा ये अमेजिंग वीडियो कैसा लगा। साथ ही आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे।